मॉर्निंग, टुडे इज आवर फोर्थ डे और आज 9 बज चुकी है। हम बहुत लेट उठे रहे, तो ये लोग तो फिर भी सो गए थे, मैं तो 3 बजे सोई थी, नीचे परफ्यूम के कलेक्शन देख रही थी इसलिए। और रात को मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, ऐसे ही मैंने एंड कर दिया। अब आज हमारा ये प्लान है कि पहले तो हम सिटी चॉइस जाएंगे म्यूजियम, आज हमारा म्यूजियम का शो है, फिर इवनिंग में हम मिलेंगे मेरी स्कूल फ्रेंड से जो दुबई में रहती है, उसने टी टाइम के लिए घर पे बुलाया है, तो मैं वहाँ जाऊँगी इवनिंग में। ओके, तो हमने फ्रेश, इसलिए पहले हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फ्रेश होके फिर हम जाएंगे सिटी चॉइस, तो मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक है, चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हालत खराब हो गई। बाकी सिटी तो बापरे, आई लव दुबई, मुझे यही बुला लो, मुझे यही नौकरी दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगा दुबई, मतलब मुझे ईच एंड एवरी टाइम, मैं आने के लिए तैयार हूँ, जब भी बुलाना चाहो। ऐसा है ना कि आपको ये कंट्री एक बार देख चुके, दोबारा देखने का मन नहीं है, लेकिन दुबई बार बार आने का मन है। और शॉपिंग मत, जो शॉपिंग तो मुझे हर टाइम करा लो, इतना अच्छा है दुबई। हम जा रहे हैं सिटी चॉइस, जो कि हमारा कल रह गया था, शॉप क्लोज होने की वजह से कल ईद थी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की शॉपिंग करने, उसके फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, और आने के बाद फिर शाम को हम हमारी फ्रेंड से मिलेंगे। दिस इज माई आउटफिट, ड्रेस इज फ्रॉम अर्बैनिक। हम पहुँच गए हैं सिटी चॉइस और लकीली आज ये शॉप ओपन है, तो बस हम अभी जाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मेरा मन तो फ़ोन वगैरह लेने का था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है, तो आई विल नॉट परचेज अ फ़ोन, बट आई विल परचेज सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम दिस शॉप।
शॉपिंग करने के बाद हम न्यू सिटी चॉइस गए थे जो सिटी चॉइस के बिल्कुल बाजू में है। और यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारे ब्रांडेड बैग्स वगैरह सारा कलेक्शन अच्छा मिलेगा। उसके बाद हम गए थे राजस्थानी रेस्टोरेंट पे जो भी सिटी चॉइस के बिल्कुल बाजू में है। यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है, पूरा स्टाफ भी राजस्थानी, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ यहाँ मज़ा आ रहा है, ये थोड़ा इन्जॉय कर रही है। तो फाइनली हम आज घूमकर भी आ गए हैं और हमारी सिटी चॉइस से शॉपिंग भी हो गई है। एंड आपको पता है मुझे दुबई इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है कि ऐसा मन कर रहा है मैं दुबई छोड़ के ही ना जाऊँ। स्पेशली शॉपिंग ले लो या फिर यहाँ घूमना ले लो, यहाँ की बिल्डिंग ले लो, यहाँ की रोड, यहाँ की सड़क तक इतनी प्यारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुबई रुक जाना चाहिए और मैं यहीं पर कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ। एंड मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं दुबई वापस आऊँगी और बहुत सारी शॉपिंग करके जाऊँगी। वैसे अभी भी मैंने कोई कम शॉपिंग नहीं करी है, बहुत सारी शॉपिंग करी है, बट स्टिल दुबई बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मुझे ऐसा लगा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊँगी कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज़ दुबई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपको पता है सब यहाँ पर बोलते हैं कि अप्रैल के मंथ में बहुत गर्मी पड़ती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही प्लीजेंट वेदर देखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने गर्मी में बारिश देखी, आज यहाँ पे बारिश भी हुई थी। और उसके अलावा धूप तो जैसे बहुत कम थी धूप, और धूप में भी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है कि अगर धूप है तो बहुत एक्सट्रीम हीट होगी कि आप बाहर ही निकल नहीं पाओगे। यहाँ पर बिल्कुल इतनी धूप नहीं थी और आप आराम से घूम सकते हो। धूप में सनस्क्रीन लगा लो, बस बहुत है, आराम से घूम सकते हो। और धूप में भी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मतलब हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई। और आपके साथ में किड है तो आप अगर वॉकिंग करके जाओ, लाइक आप टैक्सी पकड़ के जाओगे या बस पकड़ के जाओगे या मेट्रो पकड़ के जाओगे, आपको वॉकिंग तो करनी है। और आपके साथ में बच्चा है तो बस एक प्रैम्प ले लीजिए, बेबी स्ट्रॉलर से आपका काम चल जाएगा। दैट्स इट। और आज का बारिश होने के बाद मैं वेदर दिखाती हूँ आपको। इतना प्यारा प्लीजेंट वेदर हो रखा है, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। और अब बस हम पहुँचने वाले हैं होटल। Is my outfit. और अभी बज रहे रात के 8, जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। साथ में अजय और ताशु भी जा रहे हैं, तो मैं मिलके आती हूँ। एंड शी इज माई स्कूल फ्रेंड, तो चलो मिलके आते हैं। एंड दिस ड्रेस इज फ्रॉम मिंत्रा, बहुत ही अच्छी है। एंड इसकी जो पफ स्लीव्स है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। yes. मेरी फ्रेंड के घर पे पदारो साहब, ये 603 बार लिखा है, पधारो सा खम्मा गणी है राजस्थान। हाय, यू विल बी द पार्ट ऑफ माय ब्लॉग, इट्स ओके, इट्स ओके ना। हमारा तो उधर नहीं है, मेरा साबुन लेके खिचड़ी खाना बना है, तो हो गया। तू देख ना, प्रत्येक मैं इसको परेशान कर रही हूं, तो इसके लिए बना रही हूं। आई डोंट लाइक वैनिला फ्लेवर। हम लोग खाते नहीं, पर हमको किसी बार पिस्ता फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर लवर।
मैंने तो फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे भी सिंगाड़े मिल रहे हैं, अगर आपको चाहिए सिंगाड़े भी मिल रहे हैं। यहाँ जितने भी मेरे को तो अभी तक जितने फ्रेंड्स हैं कोई भी आना सब जो अगर कोई पूछ लेता है कि भाई ये मिलता है तुम्हारे, मैंने कहा जिंदगी मैंने दो चीज देखी, पकौड़े भी देखे एक दिन और एक दिन सिंगाड़े भी देखे, अगर ये दो चीजें मिल रही है। हाँ पकौड़े तो ऐसी चीज है ना कि पकौड़े भी मिलते हैं।